नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में 4 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के लिए समाजवादी पार्टी में कुल 27 आवेदन आए। सुल्तानपुर नगर पालिका में 15, लंबुआ नगर पंचायत में 10, कादीपुर और कोईरीपुर से अब तक एक एक आवेदन जिला कमेटी पहुँचे हैं। अमेठी के थाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में सीओ गौरव सिंह ने बैठक की। सभी थानों के जिम्मेदारों को यहां आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अमेठी के मोहनगंज में मिशन शक्ति के चलते महिला रिपोर्टिंग पुलिस ने 2 वैवाहिक जोड़ों को फिर से साथ रहने के लिए राजी करा लिया। इन जोड़ों ने मामला सुलझाने के बाद पुलिस को धन्यवाद किया। अयोध्या के संकट मोचन हनुमान मंदिर में बाबा हरिद्वार उर्फ सरकार महाराज की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरा हुआ। विदाई के दिन यहाँ संतों को अंग वस्त्र भेंट करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। अयोध्या में होने वाले नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन शुरू हो गया है। ये नामांकन 24 अप्रैल तक चलेगा। जौनपुर के थाना बक्शा का एसपी अजयपाल शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। वहीं एसपी ने अभिलेखों के रखरखाव के बारे में भी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। जौनपुर में डीएम मनोज कुमार झा और एसपी अजयपाल शर्मा ने बदलापुर तहसील परिसर में नामांकन के चलते निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जौनपुर के एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक आदेश त्यागी ने पुलिस टीम के साथ बैंकों में चेकिंग की। बैंक में आए लोगों से यहां पूछताछ भी की गई। जौनपुर के थाना के राकत क्षेत्र में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी गीता गुप्ता ने मुख्यालय में पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिला में जनपद के लगभग सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयागराज में जिलाधिकारी ने सुरक्षा कारणों के चलते इंटरनेट सेवाएं 2 दिनों के लिए बंद करने के आदेश दिए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इन सेवाओं के उपयोग से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बलरामपुर में भाजपा ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। वहीं तुलसीपुर सीट सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। बलरामपुर के नगर पालिका परिषद में बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। बताया जा रहा है कि समाज सेवी और नेता शाबान अली को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि तब्बू निशा, जो कि शाबान अली की पत्नी है, वो बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं। कानपुर की जिलाधिकारी नेहा जैन ने बयान देते हुए बताया कि 17 से 21 अप्रैल तक होने वाले बागेश्वर महाराज का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ये कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए तनवीर को प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद डॉक्टर मुसरेत मुजीब और उनके पति ने तनवीर को बधाई दी। रामपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी ने भी तहसील पहुंचकर नामांकन किया। बरेली में जिला मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में नगर निकाय चुनाव के लिए आरओ और एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण को पूरी तरह से सीखा जाए। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।